मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खबरें चलने के बाद आखिरकार डॉक्टर तनवीर ने दर्द से तड़पते हुए कुत्ते को नाले से इलाज के लिए बाहर निकलवाया और एम्बुलेंस के जरिए उस कुत्ते को हॉस्पिटल भेजा गया है। कल से लोग कुत्ते के इलाज के लिए कई लोगों को कॉल किए, यहाँ तक कि एनिमल्स जो प्रेमी हैं उनको भी कॉल किया गया, मगर कहीं से कोई मदद नहीं मिली, कुत्ते का इलाज नहीं हो पा रहा था। मगर जैसे ही सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी वैसे ही लोग हरकत में आए और आखिरकार इस कुत्ते को नाले से निकाल कर इलाज के लिए भेजा गया है। मगर वहीं डॉक्टर तनवीर ने बताया है कि मनपा प्रशासन की तरफ से मुमरा शहर में ऐसे जानवरों के इलाज के लिए ना ही हॉस्पिटल है कि जहां इन जानवरों को भर्ती किया जा सके, ना ही ट्रीटमेंट करने के लिए कोई ऐसा दवाखाना है जहाँ इन्हें जो है प्राथमिक उपचार दिया जा सके। मुमरा शहर में जो है ऐसे जानवरों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा डॉक्टर तनवीर का कहना है। लेकिन वही खबर चलने के बाद आखिरकार दर्द से तड़पते हुए इस कुत्ते को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन डॉक्टर तनवीर ने साफ तौर पर कहा है कि मनपा प्रशासन को ऐसे जानवरों के इलाज के लिए मुमरा शहर में भी जो है व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर तनवीर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तनवीर भाई, आप जानवरों के डॉक्टर हैं, कल से आपको एक कॉल आ रहा था, खबरें भी सोशल मीडिया में चल चुकी कि वहां से कुत्ते को उठाकर इलाज के लिए लाया नहीं जा रहा है, दर्द से वो कल से तड़प रहा है, एक्सीडेंट उसका हुआ था, पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा था, क्यों नहीं आखिर उठाया जा रहा था? खबरें चलने के बाद वहां पे कोई गाड़ी वाला जाने तैयार नहीं था। टीएमसी में कॉल किया तो टीएमसी में थाने महानगर पालिका ने मुझे बोला कि तनवीर हम लोग को यहाँ पे ये एडमिट नहीं होगा, इसको आप कहीं एसपीसी वगैरह में देखो। मैंने जितने हॉस्पिटल से संपर्क किया सब लोगों ने मुझे बोले कि जगह नहीं है। तो मैंने फिर मेरे को मतलब कैसा जगह हॉस्पिटल में जानवर को रखने के लिए जगह नहीं है, हमारा हॉस्पिटल फुल है। अभी मुरबाड़ के एक हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया है 10 मिनट पहला, और उसके बाद में मैंने उसको अभी यहाँ पे मंगवा के स्पॉट ट्रीटमेंट करवाया। एक एजाज भाई करके रिक्शा वाले हैं जो कल नहीं थे, अगर कल होते तो कल ही वो डॉग उड़ जाता था। जुल्फिकार भाई आके अभी उसको उठा कर लाए। जो बंदे ने रिपोर्ट किया था वो बंदे को भी मैंने बोला था भाई तुम लोग जरा हेल्प करके उठा के लाओ उसको। आप लोग जाओगे वहाँ तो हेल्प करेगा ना वो भाई, तो जंगली कुत्ता था वो, उसको काट लेगा तो फिर क्या होगा? आप लोग साथ में रहोगे, आप लोग प्रोफेशनल लोग हो ना, कैसे उसको उठाना है, कैसे पकड़ना है, एक वो कैसे उठाएगा उसको वो? तो मैंने तो उसको बोला था भाई तो कैसे उठाएगा वो, उसने बोला नहीं, और उसको उठा के लाने के बाद में मैं इंतजार कर रहा है, आप लोगों को लोकेशन बता रहा है, आप लोगों को फोन कर रहा है, आप लोग वहाँ जाने को राजी नहीं, सिर्फ फोन पे बोल रहे 2 मिनट में आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल बराबर है, मगर मैं उसको उठा के यहाँ पे पब्लिक प्लेस में कहाँ रखता था? छोटा सा क्लिनिक है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे मैं उसको रख के एडमिट वगैरह कर सकूँ, क्योंकि वो भी रेसिडेंशियल जोन में आता है, उसको एक एग्रीकल्चर जोन में एनिमल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे जानवर रखा जाता है, रेसिडेंशियल जोन में जानवर को उठा के नहीं रखा जाता। टीएमसी के अधीन ही डॉक्टर है, मैं थाने महानगर पालिका के एबीसी सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा काम है मुमरा के डॉग को उठाना, ऑपरेशन के लिए ले जाना। इसका मतलब ये माना जाए कि अगर मुमरा में कोई भी एनिमल एक्सीडेंट होता है या उसके कुछ भी ऐसा वो सड़क पे पड़ा रहता है उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, अगर कोई अगर मेरे को कॉर्पोरेट करेगा उठा के लाऊं, मैं ट्रीटमेंट करने तैयार हूं, मेरे से जितना होगा, ऊपर मेरे ऊपर एक सीनियर डॉक्टर जाओगे उठाने? आप उठाने नहीं जाओगे? अकेले कैसे जाऊंगा भाई, अकेले मैं उठाने ही जाऊंगा कहां से? रिक्शा वाला रिक्शा में लेता है, मुमरा का रिक्शा वाला सीधा बोलता भाई मेरी गाड़ी में। आपके पास टीम नहीं है? मेरे पास टीम नहीं है क्योंकि किसी को काम नहीं करना है डॉग के लिए, तो मैंने ऊपर शेल्टर डाला था बायपास पे, तो बायपास के लोगों ने बंद करा दिए। कोई बोलता हमको कुत्ते की आवाज़ आती है वहाँ पे, कोई बोलता है कि वहाँ पे बहुत बास आती है। मुमरा में आप लोगों की टीम है, सुन में आया कि आप लोग बोलते मेरी टीम नहीं है, मैंने एक रेस्क्यू टीम अपनी प्राइवेट बनाई है, मेरा सिर्फ एनिमल एनजीओ प्राइवेट टीम बनाई है ना आपकी, तो आपको भेजना चाहिए था ना। तो मैंने उन लोगों को खबर दिया था, जब उनके पास कोई आदमी नहीं है जाने तो उसमें मैं क्या? अरे आपके टीम के पास आदमी नहीं है, आपने टीम बनाई और उनके पास भी आदमी नहीं है? मैंने नहीं बनाया हूँ, मैं सिर्फ पर्सनल मेरे मेडिकल स्टाफ के जैसा मैं काम कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट का जो मेडिकल टीम है वो मैरीन मैडम की, उनके पास में 2 आदमी है जाने वाले, जो जुल्फिकार भाई कल से काम पर थे, आज जैसे उन्होंने सुने अपना ऑफिस जाने का छोड़कर उन्होंने वो जानवर को उठाकर लेकर गए। अच्छा, मुमरा में इतने लोग हैं, एक अगर कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गया,
और वो ड्राइवर पकड़ा गया तो वहाँ पर 10 एनिमल प्रेमी पहुँचते, FIR होनी चाहिए। हाँ। बेजुबान की जान ले ली। अभी इसमें ड्राइवर नहीं पकड़ा गया, अज्ञात वाहन थी, लोग सुने कि अज्ञात वाहन है, कोई है नहीं उधर, तो कोई गया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैरिन मैडम है, मुजना मैडम है, रियाना मैडम है, जुल्फिका है, वहाँ के जो स्थानीय लोग, राबिया मैडम है, कोई नहीं, इतने सारे लोग है करने वाले, वो लोग नहीं गए तो अभी उसमें मैं क्या कर सकता, मेरा काम है उसको ट्रीटमेंट देना, मैं आपको स्पॉट पे पहुंच के ट्रीटमेंट भी दे सकता हूँ, मगर कोई डॉग को पकड़ने वाला तो होना चाहिए। लेकिन आप अगर स्पॉट पे गए होते, उसको एक दर्द का इंजेक्शन भी दिए होते, फिर भी आपको हम लोग मानते कि हाँ ठीक है आप पहुंचे, तो आप तो वहाँ गए भी नहीं, एक इंजेक्शन, एक टेबलेट नहीं दी उसको। जरूरी थोड़ी कि मैं एक वक्त पे मुमरा में रहूंगा, और भी तो कॉल अटेंड कर रहा हूं। पूरा दिन वो कुत्ता रोड पर पड़ा रहा, चिल्लाता रहा, आज दोपहर हो गया, शाम होने को आई, अभी आप लोग उठा के लाए। अभी भी ये जो डॉग उठा है ना, इसके पीछे मैंने बहुत कल से ताकत लगाया हूं, बहुत जोर लगा के इसको एडमिट करवाया हूं। यहां से हम लोग ने मीरा रोड में अंजुम मैडम को कॉल किए, उन्होंने डॉग को मुरबाड़ में जगह करवा के रखवाए। खबर चलने के बाद लेकिन आप लोग भी जगे, इतना तो पक्का तो है। मेरे को जब कॉल आया मैंने उसको सारे ग्रुप में हमारे दे दिया कि कोई ना कोई इसको रेस्क्यू करने जाएगा। ठीक है, अभी इलाज के लिए कहाँ भर्ती कराया? अभी इलाज के लिए मुरबाड़ के हॉस्पिटल में वो एडमिट है। क्या उसका क्या डैमेज क्या हुआ पीछे ही? उसका कमर का हिप बोन पूरा टूट गया है, वो डॉग पैरालाइज हो गया है। एक्सरे करवाने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी, मगर मेरे हिसाब से तो वो हिप बोन उसका टूट गया, क्योंकि पीछे का दोनों पैर काम नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा उसको पेन है। मैंने यहाँ पे IV वगैरह लगाया हूँ, अभी वो नीलेश भाई के यहाँ पे मुरबाड़ गया है, देखते हैं। फिलहाल मुमरा के अंदर एक एनिमल शेल्टर होगा तो ये सारे काम होंगे, शेल्टर चाहिए उनको रखने के लिए। जब डॉग आते व्यवस्था मुमरा में मनपा की तरफ से भी नहीं है, मतलब किसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। थाना में मुरबाड़ में बड़े बड़े NGO है, तो आपने मनपा से इस संबंध में कुछ बात की है? आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते, कुछ बात की क्या यहाँ पर ये चीज़? मुमरा में जगह देखो, आप मुमरा में जगह कहाँ देखो, मुमरा में कोई जगह देगा तो अपने को? मैं तो पर्सनली भाड़े पे भी लेने तैयार हूँ कि जानवरों के लिए करूँ, मगर जगह भी तो कोई देना चाहिए ना। अब लोग बोलेंगे हमारे को कुत्तों की आवाज़ आती है, कुत्ता भोंकता है, तो कहाँ से जगह? आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि डॉग को एडमिट कराने के लिए 5,000-6,000 रुपया जो है उसका पैसा लगेगा। अच्छा, आपका वेलफेयर सोसाइटी है तो आपको डोनेशन वगैरह नहीं आता क्या? बता रहा हूँ मैं आपको, मुमरा में तो पहली बात कोई डोनेशन नहीं देता है। जब हम कोई भी एक कुत्ता रास्ते का स्ट्रे डॉग उठाते हैं तो स्ट्रे डॉग उठाने के बाद में उसका एम्बुलेंस का खर्चा लगता है। जो बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस आती है, जो जाने का 2,500-3,000 लेती है और छोड़ने का 2,500-3,000 लेती है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल बाहर है। जब हम यहाँ से कुत्ता एम्बुलेंस में डालते हैं, जब वो कुत्ता हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे उसका डोनेशन भरना पड़ता है, वहाँ पे भी उसका पैसा देना पड़ता है। मतलब आपका जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है, इसको डोनेशन नहीं आता है, डोनेशन कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। लोग उल्टा मेरे को ये बोलते हैं कि तुम्हारा तो वेलफेयर है, तो अब बस हम लोग हमारे जेब से सब दोस्त लोग मिलके जो भी है करते हैं। जुल्फिकार भाई, आपकी कौन सी NGO है और आपने आज जो कुत्ते को रेस्क्यू किया है, क्या जानकारी देंगे उस पूरे मामले को लेकर? सर, हमारा कोई NGO नहीं है, हमने एक मुमरा एनिमल हेल्थ ग्रुप का व्हाट्सअप बनाया है, उस पर हमने लोगों को ज्वाइन किया है, तो हमें कहीं पे भी ऐसा पता चलता है कि कोई जानवर कहीं पे मतलब उसको इशू है, उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसे मार लगा है, तो हम अगर ऐसा करते हैं, अगर हम पॉसिबल हो सके उसका स्पॉट ट्रीटमेंट करते, अदरवाइज अगर हम डॉक्टर तनवीर के पास लेके आते अलमास कॉलोनी में, वो हमारी हेल्प करते, अगर वो भी नहीं हुआ तो हम खुद जाके रेस्क्यू करते हैं, फिर हम एम्बुलेंस को बुला के उनको NGO में हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तो मुमरा एनिमल हेल्थ ग्रुप में हमारे जो भी लोग हैं, और मुमरा में रेस्क्यू के लिए मतलब बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है मुमरा में, ये सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमें जानवर को लेके कभी वाशी जाना पड़ता है, तुरबे जाना पड़ता है, मुरबाड़ में एडमिट कराना पड़ता है, पनवेल में अपना तुरबे में एडमिट कराना पड़ता है, तो इस वजह से हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू फेस होता है। और ये हम जो भी है, ये हम अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के करते हैं, हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं सब फंड जमा करते हैं या कोई हमें हेल्प कर देता है, इस वजह से हम जानवर की हेल्प कर पाते हैं। तो मेरा मुमरा वालों से यही मतलब गुजारिश है सबसे, इंक्लूडिंग ऑल मुमरा, कि अगर आपको कोई भी जानवर दिखता है, कुछ भी आपको लगता है उसको इशू है, आप डॉक्टर तनवीर को आप कॉन्टेक्ट करें, या आप जानवर लाके ऐसा नहीं आप छोड़े, आप हो सके तो आप जानवर को रिक्शा में लाके आप डॉक्टर तनवीर के पास लेकर आइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको जैसे कुछ डॉक्टर की फीस देना है या आपको रिक्शे का भाड़ा देना है या कुछ भी रहेगा, सब हम करेंगे, हम अपने हैंड से जो बेटर लगे करेंगे, क्योंकि मुमरा में रेस्क्यू के लिए बहुत कम लोग हैं। जैसे एक मैं रेस्क्यू करता हूँ, महरीन मैडम है, एक नाजिमा मैडम है, एंड मुबशीरा मैडम है, मुजना मैडम है, रेहाना मैडम है, राबिया मैडम है, दानिश भाई है,
एंड हमारे डॉक्टर तनवीर है, तो हम सब से जितना बेटर हो सके हम करते हैं रेस्क्यू के लिए। और मेरी सब मुमरा वालों से एक ही गुजारिश है, प्लीज़ कि अगर आपको कोई भी जानवर दिखता है, कहीं भी दिखता है, तो प्लीज़ आप ना डॉक्टर तनवीर को कॉन्टेक्ट कीजिए। पॉसिबल अगर रहेगा, हम स्पॉट पर कोई भी मौजूद रहेगा, तो हम आके हेल्प के लिए हम कोई भी आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ आप रिक्शा में डाल के, जैसा भी आपको पॉसिबल रहेगा, प्लीज़ डॉक्टर तनवीर के यहाँ पे लेकर आ जाइए। और जो भी अगर ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो हम उठाएंगे, हम जो भी बेस्ट पॉसिबल वे रहेगा। अगर उसमें अगर वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका ट्रीटमेंट यहीं करवा सकते हैं। अगर हमको लगता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया या उसके जख्म में कीड़े पड़े या जख्म ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको हॉस्पिटल एडमिट करवा देंगे। उसका जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, एडमिशन फीस होता है, एम्बुलेंस फीस होता है, हम आपस में बैर कर लेंगे। कोई हेल्प करना चाहे तो आपके हिसाब से हेल्प भी कर। अच्छा, बहुत सारे एनिमल को लेकर के बहुत सारी लापरवाही बरती गई है, क्या एनिमल शेल्टर का होना मुमरा में जरूरी है? एनिमल शेल्टर का होना मुमरा में, स्पेशली मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मतलब मुमरा में, दीवा में, शिल्पाटा महापे रोड है।